Here we are in the BSNL office. इस वक्त हम लोग हैं भारत संचार निगम लिमिटेड के ऑफिस में और हमारे साथ हैं कुछ एम्प्लॉयज, कुछ यूनियन के लोग हैं, कुछ एम्प्लॉयज हैं. सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह बनती है कि पहली बार ऐसा हुआ कि BSNL अपनी सैलरी खुद नहीं दे पाया. अपनी पूरी एग्जिस्टेंस में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ. आदरणीय अरुण जेटली जी ने 850 करोड़ रुपये रिलीज किए हैं, ऐसी अनाउंसमेंट आई है. अभी तक सैलरी मिली है कि नहीं मिली है ये हम लोगों को पूछना पड़ेगा. 850 करोड़ रुपये रिलीज किए गए हैं, लेकिन BSNL which was one of the gems, which was one of the diamonds, which was one of the jewels of the public sector units of the government of India, how did it come to this kind of a condition? Is prakar ki condition yahan par kaise ho gayi, ye hum puchenge. Ganesh ji aap bataye. सर, ये जो पहली बात आप बोले 850 करोड़ रिलीज किए हैं, अनाउंसमेंट तो हुई है. हाँ, वो गलत ये है. ये 850 करोड़ हमारे ही जो रेवेन्यू है, मतलब जो गवर्नमेंट का आपको बकाया था. नहीं, बकाया से पहले जो 850 बोल रहे हैं ना जी, वो हमारे रेवेन्यू में से पैसे निकालना निकालना चाहिए. दूसरी चीज है, जो 2500 करोड़ रुपया हमारे जो प्रोजेक्ट हमने कम्प्लीट किए है गवर्नमेंट के लिए, वो 2500 करोड़ में से कुछ 500 करोड़ उन्होंने दिए है. उसके वजह से हमारी सैलरी सैटरडे को हमारे क्रेडिट हुई है, रिलीज हुई है. रिलीज हुई है फरवरी की सैलरी. फरवरी की सैलरी 15 तारीख को रिलीज हुई. रिलीज हुई 15 मार्च. और अभी आगे क्या, क्योंकि ये सैलरी रिलीज होने से तो कुछ होने वाला नहीं. नहीं नहीं, तो अभी आगे हमारा ये कहना है, जो भी ड्यूज हमको गवर्नमेंट से आने हैं जी, जो हमारे हमने जो पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट को ज्यादा दिया, जो जो 2200 करोड़ के आसपास है जी, और जो हमने एक लोन दिया था 1400 करोड़ के आसपास, वो हमको रिटर्न आना है. ये सब चीजें. लोन किसको दिया था? DOT. क्योंकि अभी 3 साल हमको आगे सर्वाइव करना है. अगर 5G आगे आता है तो उसके लिए हमको रुकना नहीं है. लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह कहनी पड़ेगी प्रदीप जी, और आपको जिसको भी बात करनी हो प्लीज बात कीजिए. सबसे बड़ी बात प्रदीप जी यहाँ पर यह कहनी पड़ेगी कि BSNL के पास अभी 4G स्पेक्ट्रम नहीं है. नहीं है. लिहाजा क्योंकि PSUs डू नॉट बिड इन द ऑक्शन प्रोसेस, और क्योंकि 2012 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि भाई जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका ऑक्शन हो. लेकिन दे वर नॉट अलाउड टू बिड. नाउ इफ यू आर नॉट अलाउड टू बिड, व्हिच मींस नाउ द TRAI मस्ट रूल इन देयर फेवर एंड से कि भाई ऑफ ऑक्शन प्रोसेस से आप जो हैं इसको बना लीजिए. जी आप बताएं, वेयर वेयर डू वी स्टैंड नाउ? कौन बात करेगा आपने से, बताइए. आज की तारीख में आपको सैलरी मिली कि नहीं? डिड यू गेट द सैलरी? आज की तारीख में तो हमको सैलरी ए महीने की मिल गई है जी, लेकिन अभी फरवरी की मिल गई. फरवरी महीने की तो मिल गई है जी, लेकिन अभी आगे की तो बोल नहीं सकते हैं. मार्च अप्रैल ये भी तो मिलना है. ये तो हमारा ये सैलरी तो हमारा हक है और हमारा ही रेवेन्यू हमको ही नहीं दे रहे, ये तो गलत बात है ना. और ये तो हमको सरकार को भी पूछना ही है कि हमारा ही रेवेन्यू कहाँ कम पड़ रहा है कि हमको सैलरी क्यों नहीं मिल रही है. कैश रिच ऑर्गेनाइजेशन 2010 तक प्रॉफिट करता हुआ ऑर्गेनाइजेशन, 2010 तक उन्होंने 10,000 करोड़ का ईयरली उनका प्रॉफिट था जी. You have to admit that, and because some policies, right. You have to blame the government also. Yes. कि आपको free hand, जैसे auction नहीं कराने देंगे, 4G इनको देंगे नहीं, 5G का ज़माना आया, 4G इनको नहीं दे रहा है. How would you expect the How do you expect them to compete? Yeah, how do you expect? And आप इनका हाथ पैर बांध दे दिए. जी. बोल दो not नहीं, हाथ पैर बांध दे दिए, बांध दिए और आप कहा है कि आप तैरिए और आप भागिए सबके साथ. जी आप बताएं. ज्यादा से ज्यादा इसका इफेक्ट रिलायंस जियो के इफेक्ट हुआ है. जो TRAI का एक काम है कि सब ये जो कंपटीशन है वो वेल्दी कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन होनी चाहिए जी. वो व्हाट एवर द रिलायंस जियो इज डूइंग, TRAI इज गिविंग परमिशन टू देम, और उसके प्राइस वॉर के वजह से उसके प्राइस वॉर से वजह से जी सर, उनके प्राइस वॉर के वजह से बाकी कंपनियां भी उसके लिए घाटे में जा रही है जी. तो ये प्राइस वॉर के वजह से वी आर फॉलोइंग ऑल द TRAI रूल्स, वी हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ व्हाट वी आर एलिजिबल फॉर दिस जी. करेक्ट. एक्चुअली वी आर स्टॉप, वी आर अपना सर्वाइवल ही इधर क्वेश्चन में आ गया बिकॉज ऑफ दिस. When we are in competition, we should be in the same platform. That's right, absolutely. Competition should be the same for everybody. There should be a level playing field. ऐसा नहीं हो सकता कि आपके जो public sector units हैं, जो taxpayers money से बने हैं, यानी हमारे पैसे से बने हैं,
वो आज वो एक जमाने में विच वर प्रोवाइडिंग लोन्स टू द गवर्नमेंट, 10,000 करोड़ का जिनको प्रॉफिट था, जैसा प्रदीप जी ने अभी तक कहा, आज की तारीख में अभी पिछले साल का ही 2018 का जो लॉस है, दैट इटसेल्फ इज 7,999 करोड़, विच हैज गॉन अप बियॉन्ड 8,000 करोड़ टुडे, और एंड दिस इज इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट जो स्पेक्ट्रम आपके पास है, विच इटसेल्फ इज वर्थ अबाउट 6,950 करोड़ एज फार एज आई नो. सो व्हाई कांट समथिंग बी डन अबाउट यू नो ओवर देयर, एन इक्विटेबल काइंड ऑफ थिंग, कि उसकी वैल्यूएशन करके उतना सरकार आपको दे दे. प्रॉब्लम क्या है उसमें? हमने ऑलरेडी बता दिया है सर कि जो उसको 13,000 करोड़ खर्चा आने वाला है उसमें बीएसएनएल का, ये सरकारी एक इंटरप्राइज है तो उसमें इक्विटी इन्फ्यूज कर दीजिए, सब लोग बात कर रहे हैं, इसमें इक्विटी इन्फ्यूज कर दीजिए, और जो अदर ऑपरेटर्स ने 1,00,000 करोड़ रुपया लोन लिया है बैंक से, लेकिन बीएसएनएल को लोन लिया लेने के लिए प्रतिबंध किया जाता है डीओटी की तरफ से. Now you heard that. You heard that. BSNL is prevented from taking money from the market. Market से पैसे नहीं उठा सकते. जी आप बता रहे थे. सर और एक बात है कि जब रेवेन्यू नहीं है तो इतने जियो रिक्रूटमेंट क्यों हो रहे हैं? अभी भी एग्जाम चालू है और जियो रिक्रूट हो रहा है. और हमारा एक सजेशन था कि जो भी हमारे क्वालिफाइड है, सब 10वीं 12वीं वाले नहीं है यहाँ, सब MSc वाले भी है, MA वाले भी है यहाँ, तो उन लोग प्रमोट क्यों नहीं कर रहे हैं स्क्रीनिंग टेस्ट लेके? उनके पास तो पूरा एक्सपीरियंस नॉलेज है, तो उनको प्रमोट करने के बजाय बाहर से जे हो सबको बुला रहे हैं, और जबकि आपको सैलरी नहीं दे रहे हैं और हमें सैलरी नहीं मिलता है. क्यों? हमारा लॉस उधर ही होता है ना, क्योंकि उनको इतना पेमेंट कर रहे हैं. राइट, नाउ दिस इज वेरी स्ट्रेंज. व्हाई इज दैट हैपनिंग? जी जी आप बोलिए. ट्राई टू डिसमेंटल. जी 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 बताइए. बीएसएनएल गवर्नमेंट कंपनी है जी, उसको नफे तो टोटे में यही नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी नेचुरल कैलेमिटीज आती है, जैसे बाढ़ आया और कुछ भी है, BSNL always provide करती है सबसे ज्यादा services, BSNL provide करती है. Yes sir. That's right. And almost free of cost. Yes sir. Yes sir. That's right. जी 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 बताएं. हाँ नमस्कार. जी DOT से BSNL किया गया वो autonomy of freedom देने के लिए. जी. तो वो ही deny किया जा रहा है. जी. प्रीडेटरी प्राइसिंग के वजह से रिलायंस जियो ने जो भी मार्केट में तहलका मचाया है, टेलीकॉम सेक्टर ही उन्होंने खराब कर दिया. व्हिच इज ओके, व्हिच इज एब्सोल्युटली ओके, व्हिच इज फाइन, बट देन यू शुड आल्सो बी अलाउड टू डू द सेम थिंग. आपको भी ये परमिशन होनी चाहिए. हमें 4G स्पेक्ट्रम नहीं दिया गया. हमारा जो कैश रिच था, जनरल रिजर्व हमारा 42,000 करोड़ था, 42,000 करोड़, उसमें हमें ईयरली इंटरेस्ट 3,000 करोड़ मिलता था. वो पूरा उन्होंने स्पेक्ट्रम चार्जेस, वाईमैक चार्जेस करके नाम पे गवर्नमेंट ने जमा कर दिया, लेकिन जो रिफंड है, जब पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन जो हम मैक्सिमम ऑफ द स्केल पे देते हैं, वो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से एक्चुअल पे होना चाहिए. तो वो 2011 से लेके 2018 तक अभी तक भी वो 6,500 करोड़ का रिफंड हमें मिला नहीं है. अगर वो पैसा मिलेगा हमें बैंक से, हमारे जो एसेट्स है वो अभी भी DOT के नाम पे है, इसीलिए हमें जो लेटर ऑफ कंफर्ट है, लेटर ऑफ श्योरिटी है, वो DOT हमें मना कर रहा है, उसके वजह से हम ऑपरेशन एक्सपेंडिचर के लिए लोन. डेट भी, हाउ मच वुड डेट भी, जो DOT के पास अभी भी आपके एसेट्स पड़े हैं जो आपको ट्रांसफर होने चाहिए? एट प्रेजेंट हमारे बुक्स में 1,50,000 करोड़ के एसेट्स है. 1,50,000 करोड़ जी, अगर आज वो 1,50,000 करोड़ के एसेट ट्रांसफर हो जाएं BSNL के नाम पे, देन यू हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल, देन एनी बैंक विल गिव यू एन ओवरड्राफ्ट. जी, BSNL को मार्केट से पैसे उठाने के लिए मना कर दिया आपने, पाबंदी लगा दी. ऐसी पाबंदी प्राइवेट प्लेयर्स के पास नहीं है. दे कैन गो अब्रॉड, दे कैन इशू बॉन्ड्स, दे कैन इशू यूरो बॉन्ड्स, दे कैन इशू यूएस बॉन्ड्स, दे कैन इशू गोल्ड बॉन्ड्स, दे कैन डू एनीथिंग, दे कैन पिक अप 10,00,000 करोड़ ऑल्सो. एज फार एज यू आर कंसर्न, यू आर नॉट इवन अलाउड टू पिक अप 1 रुपी, मतलब 1 रुपया आप मार्केट से नहीं उठा सकते. तो हाउ विल यू कम्पीट? नहीं कर सकते ना सर जी. अगर आप बोल रहे हैं कि अगर वोडाफोन 1,20,000 करोड़ रुपया मार्केट से उठा रहा है, वो एयरटेल 1,30,000 करोड़ है, रिलायंस जियो 2,00,000 करोड़ का है बैंक लोन ले रहे हैं, तो BSNL अभी तक खाली 13,000 करोड़ ही उठाया है, उसको आगे उठाने के लिए नहीं दे रहे. तो हमारा कहना है कि हमें हमारे रेवेन्यू से हम उसको पेमेंट कर देंगे. That makes common sense. किसी को भी इतनी अकल होनी चाहिए कि अगर कोई भी PSU कंपीट करेगा तो आपको उसको एक नो, देयर हैज टू बी अ लेवल प्लेइंग फील्ड. आप कुछ बोलने वाले? वही सर, वही मैं बोल रहा हूँ. अगर ये हमारा गवर्नमेंट PSU है और सोशल ऑब्लिगेशन अगर हमारे पास है, तो हमारा सब अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट कैसे में हो सकता है? राइट, एब्सोल्युटली. What about the social obligation? Social obligation, वही ना, social obligation को value है ना. जहाँ कोई भी revenue नहीं है, जहाँ कोई other operator नहीं जाते, वहाँ हम service दे रहे हैं. तो हम अगर social obligation follow कर रहे हैं, तो ये profit. There should be a market value for that. Yes. Right. Sandeep ji, this is unfair. No, forget it.
Forget about everything else. This is ultra-virus of the MRTB law. This is ultra-virus of the competition law. Totally. How can a PSU like BSNL, which is one of the best-run PSUs in the world, not just in India, आज की तारीख में BSNL की एग्जांपल देते हैं किस प्रकार कोई टेलीकॉम ऑपरेटर को ऑपरेट करना चाहिए बोथ एट हार्वर्ड एट येल एट वॉटन एग्जांपल्स आर गिवन ऑफ BSNL और उसको आप रेवेन्यू उसको आप मार्केट से पैसा उठाने की इजाजत नहीं दे रहे हाउ डू यू एक्सपेक्ट देम टू सर्वाइव व्हाट इज दिस टोटली एक पॉलिसी की तरफ चल रहा है इनका हाथ पैर बांध करके नॉट अलाउ देम टू वर्क dismantle them उनको dismantle करके धीरे 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 private companies को जिस प्रकार you see in all India पूरे देश में एक परंपरा चल रहा है exactly what they did with Air India yes right. Air India you look at the example of Air India look at HAL yes. all these come TIFR they all are not being able to it look at Balco yes. look at all these people एक कोई भी अपना पगार दे नहीं पा रहा है एंड बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज बट हियर द सिचुएशन इज स्लाइटली डिफरेंट और ये मैं अपने दर्शकों को बता दूं यहां पर स्थिति जो है वस्तु स्थिति जो है वास्तविक स्थिति जो है ये जरा सी अलग है यहां पे क्यों अलग है क्योंकि इनका पैसा सरकार के पास है याद रखें जो 850 करोड़ या 500 करोड़ इनको दिया गया है वो बेल आउट नहीं है वो इन्हीं का पैसा है यानी BSNL का पैसा है BSNL का पैसा BSNL को मिल रहा है वो बेल आउट नहीं है जैसा इन्होंने कहा जो 1.5 लाख करोड़ के जो एसेट हैं आज की तारीख में जो DOT के पास पड़े हैं वो BSNL को ट्रांसफर कर दीजिए उसके बाद कोई तकलीफ ही नहीं है और 6,500 करोड़ जो और पड़ा हुआ है वो भी दे दीजिए उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं नक्सल वादियों का जहां प्रकोप है छत्तीसगढ़ वगैरह में व बस्तर में वहां कोई नहीं जाता सिर्फ BSNL जाता है जी सर जी, हमारा वही कहना है इसीलिए हमने इसको इंडेफिनेट नहीं किया right. हम एक प्रोटेस्ट गवर्नमेंट को दिखाना right, चाहते थे right, okay. तो अभी हम 5 तारीख को हम सभी लोग संचार भवन पर मार्च कर रहे हैं जी दिल्ली में लगभग 10 से 15 हजार लोगों को लेकर हम वहाँ पर मार्च करेंगे वहाँ पर हमने ऑल पार्टीज के जो संचार भवन एट पटेल चौक इन दिल्ली वहाँ पर हम मार्च करेंगे और वहां पर हमने ऑल पार्टीज लीडर्स को इनवाइट किया है यहां पर कहा जा रहा है कि जो ऑक्शन हुआ स्पेक्ट्रम का उसमें जो हाईएस्ट बोली लगी मान लीजिए 20,000 करोड़ की लगी 20,000 करोड़ में बिका नहीं 20,000 करोड़ की जो हाईएस्ट बोली लगी उसी के ऊपर BSNL को कहा जा रहा है कि ये स्पेक्ट्रम आपको उसी पर मिलेगा लोअर लेवल पे नहीं PSU है इसको लोअर लेवल पे मिलना चाहिए ये कहा जा रहा है कि आपको हाईएस्ट लेवल पे मिलेगा अगर आपको हाईएस्ट लेवल पे मिलेगा हाउ विल यू वर्क आप काम कैसे करेंगे हमारे पास पैसा ही नहीं है इसके लिए उन्होंने प्रपोजल दिया है कि 50% गवर्नमेंट इन्फ्यूज करेगा इक्विटीज और 50% हमें लोन देगा जो 10 ईयर्स में हमें रिपे करना है गवर्नमेंट इज गोइंग टू गिव यू अराउंड 6,900 करोड़ इज दैट द प्रपोजल इसमें बात और है जो नीति आयोग है जी उसका कहना यह है कि 4G BSNL को देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी प्राइवेट ऑपरेटर्स दे रहा है इस तरह से अगर बात करेंगे तो हम कहीं भी खड़े नहीं रह पाएंगे आप देखेंगे कि देश में अगर रेलवे के बाद PSU में सबसे ज्यादा अगर एम्प्लॉयमेंट है एक लाख 70 हजार को हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं एज ऑन डेट और हमारे ऊपर लगभग 1 लाख कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट लेबर भी निर्भर है हाँ जो रिटायर्ड लोग हुए हैं जिनको DOT पेंशन देते लेकिन उनका जो मेडिकल है जो मेडिकल सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं उनके लिए 2.25 लाख रिटायर्ड एम्प्लॉयज के लिए तो ये चीजों को भी देखना चाहिए कि सोशल एंगल से कि आप एम्प्लॉयमेंट तो क्रिएट नहीं कर रहे लेकिन एम्प्लॉयमेंट को मार रहे हैं जो कंपनी 2000 में 3.5 लाख लोगों को लेकर चली थी आज 1,70,000 पर आई है तो इनको भी आप कुछ स्कीम देकर कुछ IMM के रिपोर्ट अहमदाबाद के दिखाकर हमको डराकर हमको VRS लेने के लिए बाध्य किया जाए अहमदाबाद इज आल्सो रिकमेंडेड कि 4G आपको दिया जाए ये मत भूलिए सिर्फ IIM अहमदाबाद को ऐसे ब्लेम मत कीजिए उन्होंने आपकी आपकी हिमाकत भी करी है ऐसा नहीं है दे हैव आल्सो सेड IIM अहमदाबाद हैज सेड वेरी वेरी क्लियरली दैट यू हैव टू बी गिवन 4G क्योंकि अगर आपको 4G नहीं मिलेगा तो BSNL बंद हो जाएगा बिकॉज यू आर इन ए फील्ड वेयर सर्विसेज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वेयर इंटरनेट सर्विसेज वेब सर्विसेज फाइबर टू होम सर्विसेज अच्छा वो फाइबर टू होम सर्विसेज का जो प्रोजेक्ट वो कैसे चल रहा है उसके बारे में क्या कोई बताएगा हमें हाउ इज दैट डूइंग FTTH के साथ हमने महाराष्ट्र में हमने जो किया है केबल ऑपरेटर जो है उनके साथ टाइप करके हम 50-50% पे काम कर रहे हैं तो उसके लिए अच्छा रिस्पांस है अच्छा रिस्पांस है because that can be a major source of revenue but look at them they are tied up with the cable operators on their own some of the private cable the cable operators are private cable operators and if this kind of independent decision making can be given to BSNL why is the government and successive governments trying to stop and hamper their movements which is they are taking independent decisions और यहाँ पर ये देखिए BSNL का जो
डिक्लाइन हुआ वो शुरू हो गया था 2013 से, ये बता दें आपको, 2012-2013 से शुरू हो गया एंड इट हैज कंटिन्यूड टिल दिस डे। और आज की तारीख में मुझे दुख होता है ये कहते हुए कि एक हमारा ज्वेल इन द क्राउन बीएसएनएल, जिसके ऊपर स्टडीज कंडक्ट की गई हैं हार्वर्ड में, वॉटन में, येल में, कि इस तरीके से पीएसयू का मॉडल होना चाहिए, आज की तारीख में उसकी ये दुर्दशा इसलिए हुई है बिकॉज somehow or the other successive governments have only helped private operators just like they were helping private airlines. Yaad rakhein, private airlines ko jis tarike se badhava mila, jis tarike se unko badhaya gaya, jis tarike se sare jo bilateral routes the air india ke wo bhi private operators ko de diye gaye, aaj kya hua, hindustan ki sabse badi private airline jo hai, it can close down any time, कभी भी बंद हो सकती है, एंड अ प्रॉफिट मेकिंग, यस, एयर इंडिया वाज अ प्रॉफिट मेकिंग, एंड एयर इंडिया एयरलाइंस अपने आप में इंडिपेंडेंटली चल के प्रॉफिट मेकिंग था, इट वाज एट वन टाइम इट वाज द लार्जेस्ट प्रॉफिट मेकिंग एयरलाइन इन द वर्ल्ड, राइट, जस्ट लाइक बीएसएनएल। और दूसरी चीज क्या है कि जैसा आपने बताया, जो आपने सरकार को लोन दिया है, जो आपके एसेट्स हैं, जो आज की तारीख में डीओटी के पास हैं, जो आपकी वैल्यूएशन है एसेट्स की, वो अगर आपको दे दी जाए तो आज की तारीख में आपको तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। सेम डे में भी प्रपोजल दिया था कि आप हमको अप्रूवल दे दीजिए, ये हमारे ओन मनी से हम इनको 15% फिटमेंट दे देंगे, ये हमने प्रपोजल ऑलरेडी डीओटी को दिया है, एक्चुअलाइज अपने एसेट्स को कर देंगे, अपने इंक्रीज खुद अब्सॉर्ब कर सकते हैं, दे शुड बी अलाउड टू बोरो मनी फ्रॉम द मार्केट। स्पेक्ट्रम बाकी ऑपरेटर को सर्कल वाइज दे रहे हैं, मगर बीएसएनएल को अगर स्पेक्ट्रम देना है तो पैन इंडिया में लेना पड़ता है, ऑल सर्कल के लिए जहां प्रॉफिट नहीं है वो सर्कल में भी लेना पड़ता है, वही एक उसमें से डिफिकल्टी। दिस वाज हैपनिंग टू एयर इंडिया एंड एयरलाइंस व्हेन दे वर फ्लाइंग टू नॉन प्रॉफिट मेकिंग रूट्स बिकॉज़ दे वर डूइंग कमर्शियल, बिकॉज़ नोबडी एल्स वाज विलिंग टू गो, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड। नाउ द पॉइंट इज दिस, जो प्रदीप जी ने अभी कहा कि जिस प्रकार एयर इंडिया को आपने ऐसे ऐसे रूट पे आपने फ्लाई किया विच वॉज नॉन प्रॉफिट मेकिंग और उसको आपने फुल चार्ज लगा दिया एयर इंडिया पे, यू डिड नॉट अब्सॉर्ब द लॉस बिकॉज यू वॉन्टेड टू कनेक्ट दो सिटीज, आप ये चाहते थे कि पूरी नेटवर्किंग पूरे हिंदुस्तान में हो जाए, इसलिए अलग अलग जगह पर ये लोग गए। नाउ इज दैट द सेम थिंग विच इज हैपनिंग टू बीएसएनएल, क्या बीएसएनएल को भी वही चीज हो रही है जी बताएं जो एयर इंडिया के साथ हुआ? हाँ, देखिए सर, अभी हम यही बोल रहे हैं कि जो नक्सल प्रभावित एरियाज है वो हमको दिया जाता है, नॉर्थ ईस्ट हमको दिया जाता है, जे एंड के हमको दिया जाता है जी, ये सब एरियाज हमको दिए जाते हैं, और जो भी जहाँ पे कैलमिटीज आ जाती है वहाँ पर हमको जाना पड़ता है, और वो बोलते हैं कि अगर आपको नुकसान होता है तो भी उसको सहन करके आपको वहाँ खड़ा रहना है, राइट। और जो देहातों में एक्सचेंजेस है, जो एक्सचेंज हमको 1,000 रुपया रेवेन्यू दे रहा है लेकिन उसको मेंटेन करने में हमको 20,000 रुपया खर्चा आ रहा है जी, तो उसको भी हमको मेंटेन करना है, क्योंकि लैंडलाइन दूसरे लोग नहीं ये कर रहे, ये खाली बीएसएनएल ही लैंडलाइन दे रहा है जी। तो हमारा कहना है कि उसको जो यूएसओ फंड्स आ रहा था हमको पहले, उसको भी एबोलिश कर दिया अभी, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन, व्हिच इज वेरी अनफेयर, व्हिच इज वेरी वेरी, जो डिमांड्स है लेबर की वजह से, जो 15% फिटमेंट है, सरकार ने कहा कि ओनली 5%, बट आई थिंक दैट इज unlawful. I mean, has that been denied? Yes. I have now nothing is there, sir. Nothing. It was already promised, proposed that we will give the 5%, but as on today, no results are there. No results are there. Not even that 5% is being given, which is terrible. कि यहाँ पर जो MSBB के connections है, जी, जहाँ पर हमारे exchange चल रहे, उसको काटा जा रहा है, क्योंकि अभी हमारे पास funds नहीं है, हम MSBB को pay नहीं कर रहे। तो हमारा कहना है ये गवर्नमेंट का सेटअप है, तो हमने एमएसबी को भी बता दिया है कि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फडणवीस साहब को हमने बता दिया, अभी उन्होंने थोड़ा सा रहम करके इलेक्शन होने तक वो कनेक्शन काटेंगे नहीं करके अभी अश्योर किया है, तो शायद जून तक ये स्थिति रहेगी, शायद अभी जब नई गवर्नमेंट आएगी तब कोई इसके ऊपर निर्णय होगा, बट उम्मीद करते हैं कि TRAI का जो निर्णय है वो आपके फेवर में आए, जल्द से जल्द आप लोगों को अपना जो पैसा है वापस मिले। एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता दें कि बीएसएनएल रेड में नहीं है, बीएसएनएल एक्चुअली लॉस में नहीं है, ये नोशनल लॉस है। क्यों नोशनल लॉस है? क्योंकि इनका पैसा सरकार के पास पड़ा है, आज अगर सरकार इनका पैसा इनको वापस दे दे तो कोई तकलीफ ही नहीं है किसी को, नोबडी विल हैव एनी प्रॉब्लम। डू यू थिंक दैट मनी विल कम बैक? वी आर होपिंग, होप्स आर देयर सर, राइट। वो बात हम कहना चाहते हैं जी, एक 24 फरवरी को और 3 दिसंबर को माननीय मनोज सिन्हा साहब ने भी हमको एश्योरेंस दिया था, ये सब जो चीजें हैं उन्होंने एग्री की थी,
फिर भी वो अभी but at the moment the matter is out of their hands. Finally it will go to the TRAI. तो ये हमको ये समझ में नहीं आ रहा है. सुप्रीम कोर्ट विल हैव टू कम इन. इसका डिसीजन कौन करेगा? डीओटी करेगा या माननीय मनोज सिन्हा जी करेंगे, पीएमओ करेगा या प्राइम मिनिस्टर साहब करेंगे? ये हमको समझ में नहीं आ रहा है. अगर हम थोड़ा एटोनोमिस दे दीजिए हमको, तो हम करके दिखाएंगे. अब हमको आगे जाने नहीं और वापस बीएसएनएल को उसी स्थिति में लाएंगे जहां पर आपका 10,000 crore का प्रॉफिट आ रहा था. ऑल दैट दे आर आस्किंग फॉर इज अलाउ अस टू वर्क. दैट्स ऑल दैट दे आर आस्किंग फॉर. ये कुछ नहीं मांग रहे, ये सिर्फ ये बोल रहे भाई हमें काम करने दीजिए. काम करके हम देश को 10,000 crore का प्रॉफिट फिर ला करके दिखाते हैं. जो प्राइवेट प्लेयर्स को आपने सुविधा दी है, अगर वो भी ना दें एटलीस्ट थोड़ी बहुत तो दे दें. जो हम लोगों का हक है वही दे दें, जो हमारा पैसा है वही लौटा दें. चलिए हम आपसे पैसा भी नहीं मांग रहे. 1.5 lakh crore के एसेट्स हैं, 6,950 rupees का तकरीबन 50,000 rupees का स्पेक्ट्रम है जो आज की तारीख में विच कैन बी एक्चुअलाइज. आई थिंक इट्स अबाउट 6,950 crore इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ऑफ स्पेक्ट्रम. अब इतना ही अगर आप कर दीजिए तो इनको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है. आपको कोई पैकेज अनाउंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई बेल आउट अनाउंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बल्कि हो सकता है कि 2 साल के बाद आप सरकार को बेल आउट दें, हो सकता है जैसे पहले दिया था. सेकेंडली ये कंपनी PSU BSNL कंपनी, इसके लिए जरूरत है ये कंपनी. अगर मार्केट में अगर ये कंपनी नहीं रहेगी तो ये जियो वगैरह जो प्राइवेट ऑपरेटर्स है इतने कॉल कर देंगे कि ये सर्वसामान्य मतलब लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आगे करेक, के लिए करेक. इसके लिए सरकारी PSU कंपनी जरूरी है मार्केट में रहने के लिए. एब्सोल्युटली. सो व्हिच मींस प्रदीप जी, कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपने बात करी थी, चलो वो लोन ही लौटा दीजिए. जो अभी DOT के पास लोन पड़ा है वही लौटा दीजिए. और आखिर में जो प्रदीप जी ने बात करी थी, जो मैं बोलने जा रहा था, जिस रूट पर एयर इंडिया चलती थी, यानी उसके पहले इंडियन एयरलाइन चलती थी, जबरदस्ती उनको चलाते थे, फिर प्राइवेट प्लेयर्स आ गए. आज की तारीख में तकरीबन 80 ऐसे रूट हैं जहां पर इंडियन एयरलाइंस और वायुदूत की फ्लाइट जाया करती थी, आज की तारीख में बंद हैं क्योंकि कोई प्राइवेट प्लेयर वहां पर जाने को तैयार नहीं है. क्या आप BSNL का हशर वही करने वाले हैं? ऐसा ना करें, क्योंकि BSNL तैयार है बशर्ते कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड दें, इनको काम करने की इजाजत दें. यहां पर किसी को आपसे भीख नहीं चाहिए, किसी को आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ काम करने की इजाजत चाहिए. और इनका पैसा यानी BSNL का पैसा जो आपके पास पड़ा है वो लौटा दीजिए. आगे जाकर के जैसे मैंने बोला, पहले भी DOT को आप लोन दे चुके हैं, सॉफ्ट लोन दे चुके हैं, आगे जाकर भी देंगे. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों के साथ बात करने के लिए. थैंक यू सो मच. इसमें एक इशू और है कि ये गवर्नमेंट बोलती रहती है कि हमारा जो रेवेन्यू में से 60% सैलरी में खर्चा हो जाता है. अगर हमारा पहले 30-35 हज़ार करोड़ सैलरी रेवेन्यू था, आज वो अगर 15-20 हज़ार करोड़ पर आया तो ऑटोमेटिकली हमारा ऊपर जाएगा. बात है कि हमारे 5 साल में 50,000 लोग रिटायर्ड हो रहे हैं. तो अगर रिटायर्ड हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल वाइबल हो जाएगा. बट यू वोंट इवन, बट आई डोंट थिंक वील नीड टू इवन डिस्कस दैट. अगर आज की तारीख में सरकार सिर्फ पैसा इनका वापस दे दे, मैं उम्मीद करता हूं सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. आज की तारीख में हमारे ही लोगों का, हमारी ही कंपनी का, BSNL भारत की कंपनी है, भारत संचार निगम लिमिटेड, भारत याद रखें भारत की कंपनी है. इस भारत की कंपनी का जो पैसा भारत सरकार के पास है, भारत संचार निगम लिमिटेड को वापस दे दीजिए. आगे जो होगा आप खुद देखेंगे कि कैसे कंपनी एक बार फिर प्रॉफिट में आती है. That's it. That's all we've got for you from Pradeep and me right here on the RKB show on News World India. We'll be back with you tomorrow at 10:30 in a different place with a different subject. In the meantime, keep watching News World India. Bye-bye.